फर्स्ट ऑफ सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक सिचुएशन दिया जा रहा है और इस सिचुएशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं, जो ये सिचुएशन दिया हुआ है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है सिचुएशन, कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई एक रेक्टेंगुलर एरिया है, सपोज यह एक प्लॉट है और वह रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। प्लॉट मान लेते हैं ए बी सी डी है, तो इसका एरिया कितना है, एरिया ए बी सी डी जो है यह दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। और क्या कहता है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर, जो लेंथ लेना है वो क्या लेना है, मीटर में लेना है, और वह जो है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो लंबाई है इस प्लॉट की वह इसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई जो है उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी इसके लंबाई जो है इसके चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, और इस सिचुएशन में हमें लेंथ और ब्रेथ पता करना है। तो आइए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, कौन ज्यादा है, जो है क्या कहता है कि प्लॉट का जो लेंथ है वह ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं जनरली हम छोटे टर्म को मानते हैं, तो छोटा कौन है, ब्रेथ है, तो यह हम मान लेते हैं यह जो है यह एक्स मीटर है, यह जो इसका ब्रेथ है, यानी अब मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज एक्स मीटर, वह क्या है एक्स मीटर है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसलिए लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का लेंथ क्या होगा, वह क्या कह रहा है लेंथ के बारे में, क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्या है इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ कितना माने हुए हैं एक्स, तो इसका ट्वाइस कितना हुआ 2x, और उससे क्या करना है एक ज्यादा करना है, यानी यह हमारा लेंथ आ गया, और यह भी किस चीज में आएगा, मीटर में आएगा। और जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं एरिया, तो यह जो अगर इसे हम डायग्राम में शो करें तो यह क्या हो गया 2x प्लस 1, यह हमारा लेंथ आ गया। और एरिया के लिए क्या जानते हैं, चूंकि प्लॉट कैसा है रेक्टेंगुलर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना 528 मीटर स्क्वायर, यानी यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 और लेंथ हमारा कितना आया 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना माने हैं x। अब इसे हम कर दें सिंप्लीफाई, तो क्या बना 528 इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x, अब इसे हम इस तरफ कर देते हैं तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, वेयर x इज द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यही हमें क्वाड्रेटिक, आपसे सॉल्व नहीं करने कह रहा है, क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है दो नंबर का वह कह रहा है कि केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डेवलप करके दिखलाइए, ना कि इसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा यह पता करना है। तो हमने हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था और यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल चुका है,
क्यों निकल चुका है क्या? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में।